गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी चल दिया हूँ जी अपने ऑफिस पे, अपने बिजनेस पे। और सुनाओ, तुम सब ठीक हो? तो जी देखो, सिग्नेचर ब्रिज देखो, एकमात्र हमारे यहाँ क्षेत्र का टूरिस्ट स्पॉट बना के दिया है दिल्ली सरकार ने। पता ना कहाँ बनाया, हमें भी समझ में ना आ रही। और यार 2000 करोड़ रुपए लगा दिया हमें, और बना के कम से कम यार 15 साल लग गया बनने में। ऐसा तो कोई अजूबा हमें दिख ना रहा इसमें, क्या बना के दिया और बना के दे दियो, लोगों ने खुश कर दिया कि लो तो मैं एक ब्रिज दे रहे हैं बना के। ओके लो जी, मैं तो अपने ऑफिस पे चल दिया हूँ। इतनी लेट तुम क्या हो गए, इतनी लेट ऑफिस पे क्यों जाऊँ? अरे यार, अपने बाबू जी हम अपने चौधरा आटे अपने हिसाब से चले हैं। चौधरी साहब किसी के कहने पे थोड़ी चलेंगे भाई। तो जी मैं अपने हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ, जो मेरा मन करे जिस टाइम मन करे तो उस टाइम अपने लाइब्रेरी पे मुखर्जी नगर ऑफिस पे पहुंच जाऊँ। जब मेरा जी ना करता तो मैं ना जाता, क्योंकि ठंड भी हो रही है। तो मैं अपने हिसाब से अपने मर्जी से उठ के चल दूं। तो मेरे जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, जितने भी तुम सब देख रहे हो। सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए भाई। पता ना कौन है, या तो जॉन बिछोन का पता ना कौन है, बुलेट पे हाई कर रहा हूँ। मुझे सब्सक्राइबर होगा मेरे, यार मेरे सब्सक्राइबर ही तो इतने सारे लौट रहे हैं। क्या बोला तूने? या तो पूछूंगा भाई कैसे जॉन है तू, मुझे जॉन तो होगा जरूर 100%। फेमस इतना हो चुका हूँ यार, डेली पता ना घर, यार भाई घर मत आए करो, तुम्हें मिलना हो तो भाई। नहीं, झूठ बोल रहा है। सब्सक्राइबर मिले मेरे पहले सब्सक्राइबर। ओ माय गॉड, कैसे आ रहे हैं? देखो देखो जी, मेरे सब्सक्राइबर मिले और मुझसे मिलके गए हैं। यार भाई मैं सच में क्या बताऊं, तो मैं मेरे अखंड में आंसू आ रहे। मैं इतना फेमस होगा ना, मुझे भी ना पता है कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा। आप सब भाइयों ने मुझे इतना फेमस कर दिया, थैंक यू सो मच। ये भाईचारा मुझे एक दिन बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा, मुझे विश्वास है। तब मुझे एक दिन ऊंचाइयों पे ले जाओगे। ऐसे ही लगे रहो, मेरे ब्लॉगर ने देखते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो। अच्छा ठीक है, समझ गया। या क्षेत्र में दिल्ली NCR का सबसे बड़ा यूट्यूबर, दिल्ली NCR का एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूबर मुझे घोषित करवाओ। मुझे अवार्ड चाहिए वो यूट्यूबर वाला, तो मुझे जल्दी जल्दी वो अवार्ड दिलवाओ। थैंक यू। चलो आगे आपको दिखाता हूँ, तिमारपुर पहुंच गए। देखो तुम्हारे से बात करते करते रेड लाइट तो हम तोड़ रहे हैं, क्या करें यार। लेकिन कोशिश करेंगे रेड लाइट ना तोड़ेंगे, रूल्स रेगुलेशन चला के चलेंगे, रूल रेगुलेशन बना के चलेंगे तो ही ठीक रहेगा। लेकिन देखो हमने रेड लाइट ये पीछे से खड़ी हुआ है गाड़ी, लेकिन हमने आके कौन खड़ी करी है देख सकते हो आप। लेकिन थोड़ा बहुत रुकी है रेड लाइट का, क्योंकि हम भी यार कानून की हिफाजत है, कानून के रक्षक है। चलो 2000 years later। लो जी मैं लाइब्रेरी पहुंच गया। सुनो, गैंग बैठी रहती है लाइब्रेरी का ऑफिस में। ऐसी वाह क्या कहे, यही तो प्यार कमाया, भाईचारा कमाया सिवा ने। क्यों जी मलिक साहब कहते क्यों ना, बिल्कुल भाईचारा कमाया, बिल्कुल भाईचारे के नाम पे अपनी सरकारी नौकरी दान दे दोगे? हैं भाई जी, दिल लगा के उठ नहीं देते शिवा। मैं कह रहा हूँ भाईचारे के नाम पे सरकारी नौकरी दान दे दोगे? ए बोल ना भाई, मैं दे भाई पक्का दोनों से दे दे। खाजो मंदिर माधर तो की सरकारी नौकरी लगेगी, नौकरी जब लगेगी भाई दे दियो, जब लगेगी तभी तो। अगर ऐसी मिलती हो दे दे, अगर अगर ऐसी मिलती तो पक्का। तो दोस्तों इसकी बात पे, भाई की बात पे ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाइक तो जिस वीडियो पे जरूर करो, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो इसे। जितने भी क्षेत्र के जाट समाज से मलिक गोत्र है, जितने भी उसमें, उन मलिकन के दौरे भेजो या की वीडियो देखो मलिक क्या करवा रहा तुम्हारे। क्या तो मलिक सबसे ऊपर है जाटन में? हाँ भाई, क्यों नहीं है भाई, और सब नीचे है मतलब, और भाई सब और सब नहीं, नहीं और सब तुम नीचे करना चाहो, मलिक सबसे ऊपर है। ये जो दहिया डबास वो आवाज है सब नीचे है, सब साथ है भाई। ना 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 तुम कह रहे कि मलिक, ना 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 तुमने कहा कि मलिक सबसे बड़ा। जो मैंने भी आपको लाइब्रेरी दिखाई, इस लाइब्रेरी का इतिहास बताता हूँ। ये भारत जैसे भारत अखंड भारत का विघटन हुआ था ना, ऐसे ही हमारे मेरी डिवाइन में से टूट टूट के लाइब्रेरी बनी है यहाँ पे।
अब उन्होंने क्या करा, जैसे देश में एक जयचंद था तो मेरे साथ भी एक जयचंद मिले, मुझे मेरे बहुत जयचंद मिले जिन्होंने गद्दारी दिखाई। तुझे नहीं कर सी हो, तुझे नहीं करा, तू तो अपनी जिगरी है। तो मेरी गल क्या करा, तेरी लाइब्रेरी थोड़ी आ रही है, मैं कह रहा हूँ जयचंद मिले मेरे जीवन में कि मेरी गैर अखंड भारत जो टूटा है ना, वो चाहते हो कि अखंड भारत एक हो जाए। कब होएगा? जब तुम सब लाइब्रेरी अपनी बंद करोगे ना, तो अखंड भारत उस दिन एक हो जाएगा जी। तो देख सकते हो आप, अखंड भारत एक दिन मेरा पूरा हुआ है कि मैं अखंड भारत। मलिक साहब आप क्या कहना चाहोगे अखंड भारत? बिल्कुल, अभी से एक बार जो कह दिया वो चीज होनी चाहिए। अखंड भारत एक हो सकता है? एक हो सकता है। कैसे हो सकता है ये बताओ आप भाई। ये तो अभी चीज देखो, अखंड भारत पता कैसे एक हो सकता है? जब सबकी लाइब्रेरी टूटेंगी ना, बंद हो जाएंगी सबकी, एक डिवाइन केवल डिवाइन लाइब्रेरी रह जाएगी, तब जाकर अखंड भारत एक होगा। पूरा चिट्टा है, लड़की की हाइट है 5'10" 5'7" 5'7" 5'9" और मम्मी, ये इनका गोत्र है मलिक, ये जाट है। अरे मम्मी गोत्र क्या है तुम्हारी का? मम्मी का गोत्र बता दे भाई। सागवान और मलिक छोड़ के, और एक और कौन सी, बालियान। बालियान की छुड़वा रहे, तुम्हारे तो बालियान से लेना देना नहीं है ना, हमारे गांव में। ओ, तुम्हारे गांव में तो भाईचारा, बाहर से बालियान से तो गांव में तो है। अरे तो भैया, तो तीन गोत्र को छोड़ के जाट समाज में जितनी भी लड़कियां हुनहार सुंदर सुशील कॉन्टेक्ट करें भाई, थे नंबर डाल दूंगा मैं, मेंशन कर दूंगा, ठीक है? आपको मेंशन कर दूंगा मैं नीचे नंबर, तो आपको सब देखेंगे, ठीक है जी। मुझे घड़ी देते हुए गिफ्ट, अपनी घड़ी गिफ्ट दे रहे हैं MGM लाइब्रेरी का ऑनर है ये। मुझे अपनी, मैं कह रहा हूँ अखंड भारत अगर सारी लाइब्रेरी बंद हो जाए, डिवाइन में खुली रहे, अखंड भारत जुड़ जाए, कैसे अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। इनका कौन सा देश है? इनका भूटान है, भूटान इनका भूटान देश है, भूटान सिवा का अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान है कौन सा इनका? पंजाब 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 क्यों ना, एशिया की नंबर वन लाइब्रेरी, बाकी सब बेकार, छोटे मोटे। थैंक यू सो मच, आपने डिवाइन को इस तरीके से समझा, एशिया की नंबर वन, बहुत बहुत शुक्रिया। और एशिया का नंबर वन आदमी अभिषेक भैया, ये अभी नहीं कह सकते ब्लॉग है, बोल दो ना। सिवा के पैर में आज थाई मारी, सिवा ने आज जिम जा रहा, तो इसका ब्याह का जी 14 फरवरी का ब्याह है सिवा, इस वजह से बड़ा जरिए तो जाने इससे नु कही गई है कि अपना शरीर बेटा जब हम लौटे देंगे तुझे। लो जी नन्ने मेरा खून पी रखा। वैसे कह रहा हूं बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश। अब जा रहे हैं जी चाय पीने या कुछ कमला नगर जा रहे हैं कुछ खाने पीने, तो सिवा अपनी तरफ से खवा रहा, आज हमें दावत दे रहा हूँ। सिवा दावत दे रहा, थैंक यू सिवा यार, तेरा ऐसा हम कैसे चुका, कैसे चुका हम कल, तू खवा दी, तू इतना अच्छा क्यों है यार, क्यों है तू सिवा इतना अच्छा यार? तो देखा आपने सिवा भाई है, पीछे मलिक साहब भी बैठे हैं, अब मैं इन्हें डेली घुमा के ले डेली के 500 रुपए का डीजल इनके चक्कर फुके है, कोई दिक्कत ना, लेकिन मेरे भाई हैं, इनके लिए जाओ, भाईचारा पहला, इनके लिए कोई दिक्कत ना। मेरे लिए दोस्त भाई, यू आर ग्रेट, लव यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू सिवा, आप भाई मान हो, आप तो मान हो, अभी से एक भाई तो मान है, मान, थैंक यू माय फैन, थैंक यू। ये भाई मेरे वे हैं जो जिन जो मेरे लिए जान तक छिड़कने को तैयार है, जिगरी मैं इनसे जो कुछ कहूंगा ना वो कर देंगे मेरे लिए। थोड़े से हम चाय पियेंगे। लो जी सुदामा, चाय सुदामा, अमर रहे अमर रहे। कभी दौन बून भी कर दे कर सिवा, वो मालिक हमारा, वो है मालिक, भैया तुम्हें बोल, हम तो नौकर हैं इसके। अरे सिवा कर दे कंट्रोल उदय। गाइस दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर मिले माननीय चेतराम हांडे वाले, बहुत बहुत धन्यवाद चेतराम जी, आप हमें मिले और इन्हें मिलके आप काम से उससे मिलके कैसा लग रहा है? गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन तो हो रहा है, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मिलके, मैं इतना खुश हूँ इन्हें, मैंने इस पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का और ठेली एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ इन आज से,
कैसा लगेगा आपको अगर मैं अध्यक्ष बना दूं आपको इसे मुखर्जी नगर का? आप मुझे एक देखो ब्लॉग के चक्कर में मिलेगा ना मिलेगा खाने को बंद करता सही ना घुमा रहा हूँ गाड़ी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हराम का हरा ना डीजल मेरी में डेली डेली डोलते रहो मेरी गैल हाँ डेली डेली मलिक तू भी चल दिया यहाँ में तेल भी डलाया यहाँ मैं डेली 400-400 रुपए का तेल फूका यार। लो जी मुखर्जी नगर से अब हम निकल रहे अपने घर की ओर को अपने घर जा रहे हैं आपसे मिलता हूँ रास्ते में आपको दिखाते हैं ठंड बहुत है आज तो हम निकलते हैं अपने घर की तरफ को लाइब्रेरी के नीचे स्टूडेंट खड़े रहते हैं चलो निकलते हैं यहाँ से। लो गाइस घर आ चुका है अपना चलो मिलता हूँ आपसे खड़ी कर दी गाड़ी और आते नहीं मुझे कौन मिला वानू क्या देख रहा है तो लाइट गाड़ी में ओए क्या देख रहा है वानू जाओ मम्मी बुला रही है जाओ जाओ नहीं जाएगा चलो तो चलो गाइस करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट तो करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना याद से भूल मत जाना चैनल को सब्सक्राइब कम कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कर दो मैं 1000 मेरा टारगेट बस 1000 का है फिर मैं आपको दिखाऊंगा नई नई चीज़ें और नई नई जगह अपने साथ ठीक है बने रहिए थैंक यू सो मच बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय।